अमृतसर के विच आ दो जिहड़े लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन होए हैगे एक सैटरडे राती 11:30 दे करीब एक अज सोमवार सवेरे 6:15 बजे तो इस दे विच जिहड़ी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है उस दे विच ऐ सामने आया कि लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन सीगे जिहड़े उपर जिहड़ी हैरीटेज स्टेज जिथे असी खड़े हैरीटेज स्ट्रीट दे विच इत्थे लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन होए हैगे सो असी इस दी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं साड़ी फोरेंसिक टीम इत्थे मौके ते हैगी ते कोई भी सानू ट्रिगरिंग मैकेनिज़म या डेटोनेटर नहीं मिलिया हैगा मौके ते ते जिस तो इंज जापता हैगा कि किसी कंटेनर दे विच एक्सप्लोसिव मटीरियल रख के जिहड़ा हैगा वो एक्सप्लोजन किया गया है एबसेंस ऑफ ट्रिगरिंग मैकेनिज़म मीनस दैट इट इज़ अ क्रूड काइंड ऑफ अ डिवाइस असी इस नू पूरे डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे असी कोई एंगल्स रूल आउट नहीं कर रहे हैगे प्रिलिमरी है दो तीन गल्लां मैं कहना चाहवांगा कि यह किसी की मिसचिफ हैगी इट इज़ टू अर्ली टू से कि इट इज़ मिसचिफ या इट इज़ टेरर एंगल या किसी का परसनल एंगल है सो असी कोई भी एंगल रूल आउट नहीं करांगे असी सारे एंगल्स तो डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे एक्सप्लोसिव्स आर वेरी क्रूडली असेंबल्ड जिहड़ा जिहड़ी डिवाइस हैगी ट्रिगरिंग मैकेनिज़म कोई नहीं मिला है डेटोनेटर कोई नहीं मिला है सो इस दे नाल ही मैं दो तीन गल्लां जिहड़ियां कहांगा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है तुसीं जिवें इत्थे खड़े हो आवाजाही लोकां दी जिहड़ी हैगी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल सो मैं लोकां नूं अश्योर करदा हां कि असी पीस हारमनी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखांगे नंबर दो फेक र्यूमर्स दे विच फेक लोग कई बार लोग गलत गल्लां कहिंदे है साडा फैक्ट चैक करो साढ़े सोशल मीडिया हैंडल्स हैं असी ऑफिशियली रिलीज करांगे थर्डली देखो जी IED तो कोई भी जिवें मैं कहा जिहड़ा क्रूड एक्सप्लोजन है जी सो बेसिकली IED होंदी है जिहनू आपां कहिंदे इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस सो एनीथिंग विच कॉजेज एन एक्सप्लोजन इज़ एन IED सो वी आर लुकिंग इन टू इट कि यह किसी शरारती बंदे की मिसचिफ हैगी या यह कोई ऑर्गेनाइज अटैम्प्ट है किसी का कोई मॉड्यूल हैगा इसकी टाइमिंग जी हैगी उसकी की सिग्निफिकेंस है सो इन्वेस्टिगेशन दे विच असी टेक्निकली CCTV फुटेज लेके टेक्निकल मीनस तो जिहड़े भी सानू इत्थे मौके ते लोग सीगे सारियां नू इन्वेस्टिगेशन च ज्वाइन करा के असी इस नू थ्रेड बेयर करांगे कि यह किवें होई गल दिस इज़ दी देखो वन परसन हैज़ रिसीव माइनर इंजरीज टूडे तो एक माइनर इंजरीज परसों भी रिसीव हुई सी एज आई सैड कि यह बहुत लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव सी मेरी इतने जी प्रेजेंस हैगी मैं दो चीज़ा करके इतने आया एक तो लोगों अश्योर करन लई कि पंजाब पुलिस इज़ देयर टू कीप द स्टेट सिक्योर एंड सेफ दूजा किसी भी पैनिक की लोड़ नहीं हैगी असी इस नू वर्कआउट करेंगे असी हुण तक हाले तक जिहड़े भी केस साढ़े रिपोर्ट हुए हैं पंजाब पुलिस ने सक्सेसफुली वर्कआउट किया है तो दिस केस विल ऑल्सो भी वर्कआउट लो एक्सप्लोजन जिवें मैं जिहड़ियां गल्लां कहियां कि सानू मौके तो डेटोनेटर नहीं मिलिया जदों कोई भी जिहड़ा हाई एक्सप्लोसिव हुंदा है उसनू डेटोनेट करन लई डेटोनेटर यूज करदे जिहनू ट्रिगरिंग मैकेनिज़म कहिंदे हैं या ट्रिगरिंग डिवाइस कहिंदे हैं सो नो ट्रिगरिंग डिवाइस हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द स्पॉट सो फार सो इस तो इंज जापदा है हुण स्पेकुलेटिव है जे मैं यह कहता भी तुसी यू विल लाइक टू पुट वर्ड्स इन टू माई माउथ कि पोटैशियम जिहड़ा वो क्लोरेट ते वो सल्फर हुंदा है सो मैं यह नहीं कहांगा बिकॉज वी आर नॉट श्योर वी विल गो बाई द साइंटिफिक हुण इट इज़ ऑल दो रेगुलेटेड है बट इस तरह के सबसटेंसिज बहुत ईजीली भी अवेलेबल है मार्केट के देयर फोर असी इस सारे एंगल्स तो देखांगे कि लोकली प्रोक्योर्ड किसी मिसचिफ मेकर की यह हरकत तो नहीं हैगी कि स्टेट का माहौल बिगाड़न लिए इस तरह का प्रभाव देने लिए सो असी डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे सारे एंगल्स देखांगे देखो जी उपर जिवें हैरीटेज जिहड़ा पार्किंग हैगी इहदे उपर जिहड़ा हैगा जिहड़ा सारा गड़ी स्ट्रीट जिथे असी खड़े हैगे इत्थे उपर कंटेनर दे विच जिहड़ा हैगा एक्सप्लोसिव रख के एक थ्रेड जिहड़ा हैगा थल्ले लटक रहा सीगा सो आइदर सम पासर बाई हैज़ एक्सीडेंटली जिवें CCTV फुटेज इसी करके असी डीपली देख रहे हैं कि वह किसी ने खिंचता सो वो डिवाइस जी है उपरों थले डिग पई तो एक एक्सप्लोजन हो गया आवाज़ काफ़ी हुई पर अदरवाइज देर वेर नो शार्पनल्स जिहड़े विच शार्पनल कोई भी नहीं सीगे ते इंजरी बहुत माइनर हुई है बट यस लाउड नॉइस वॉज देर CP साहब थोड़ा डिटेल ब्रीफ कर देंगे असी सारी सारे एस्पैक्ट्स नू देखांगे केस नू ट्रेस करांगे फेक र्यूमर्स ते ना जाओ ये किसी की मिसचिफ हो सकती है असी
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਆਈ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਬਰੀਫ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਆਫਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ देखो मैं इस गल नूं समझदा हैगा, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं वैसे ही शेयर कर रहा थोड़े नाल। मैं इस गल नूं समझदा हैगा कि तुहाडी बहुत वड्डी जिम्मेदारी है, तुसीं सवेर दा वेट कर रहे हो, इस करके भी वॉन्ट कि जब भी तुहानूं असीं बाइट दईए पूरी जिम्मेदारी नाल दईए। सो एक प्रोटोकॉल मैं एक काइंड तुसीं क्वेश्चन किवें पुछोगे, कौन पुछेगा, मैं दो तीन क्वेश्चन जिहड़े पुछ लो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है। सो हजे तक दे जिहड़े जिवें कि जिमें कि तुसी सारे जानू है हो पंजाबी इंग्लिश हिंदी क्या रहेगा, जैसे जिमें कि तुसी सारे जानते है हो साडे कोल 5 मई सैटरडे तो लैके अज सवेर तक इत्थे जिहड़ी हैरीटेज स्ट्रीट है इत्थे दो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होए है। प्राइमा फेसी ये जापदा हैगा कि किसे देसी मटीरियल नूं तैयार करके एक बम बनाया गया है, छोटा बम बनाया गया जिन्हों एक्सप्लोड किया गया, इहदे नाल कोई जानो माल का नुकसान नहीं होया है। ये जापदा है कि ये लोकल प्रैपरेशन है क्योंकि सानू कोई भी कोई टेक्निकल डेटोनेटर या कोई एहो जी चीज़ नहीं मिली जिस तो यह साबित होवे कि कोई बहुत टेक्निकली एडवांस डिवाइस है। दोनों जिहड़े हैगे जिहड़ी प्रिलिमिनरी FSL रिपोर्ट्स है उस तो यह जापदा दस्या गया है कि ये लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव का काम है। इस संबंधी साड़ी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, साडे वल्लों थाने विच केस रजिस्टर कर लिया गया कोतवाली च, ते हुण इस ते इन्वेस्टिगेशन ऑन है। देखो जी इहो जे ये बड़ा सेंसिटिव मसला हैगा, इहदे विच कई इहो जी चीज़ां साडे ध्यान विच हैगियां, जद तक इस चीज़ का फाइनल कोई कंक्लूजन सामने नहीं आ जाता या साडे कोल कोई स्पष्ट नतीजा नहीं आ सकता मैं कुछ भी नहीं कह सकांगा। बट यस मैं इस गल का यकीन दवाना कि इस मुतलका जो भी पहलू हो सकते हैं संभावित पहलू उन्होंने सारिया से साडे वालों तहकीकात की जा रही है। देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिवें मैं शुरू दस्या ये लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव है। लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव मतलब यह होंगे है कि ये जड़ा कोई घरेलू समान होंगे जिमें कोई नाइट्रेट हो गया, कोई फॉसफेट हो गया या जिमें पटाकों च पैन वाला समान है, उस टाइप का मसला समान भी वरत्या गया हो सकता है। आम तौर पर इस तरीके का जोड़ा हों समान दहशतगर्दी घट देखा गया है, तो कोई ना कोई जो लोग शैतानी करते हैं या कोई इस तरीके की कोई गड़बड़ करते हैं उन्होंने संबंधित पाया जाता है। हाँ ये बहुत मंदभागी गल है, तो ये मद्देनगर हम शहर में तो इस इलाके जी पुलिस की मुस्तैदी है वो होर वधाई गई। पर सर चश्मदीद गवाह कहते कि जो दूसरा धमाका है उस वे इतने पुलिस की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। इनफैक्ट जेडे चश्मदीद उन्होंने ही सानू दस्या जिस वेले धमाका होया इहदे धमाके वाले दे बहुत नेड़े ही साड़ी पुलिस की प्रेजेंस भी सीगी, ते जिहड़ा इस एरिया विच सिविल सिक्योरिटी जिहड़ी है उहदा चौकीदार भी मौजूद सी। एक एडे वे शहर में एडे वे सारे जानो कि इतने किन्ना वड्डा कट तो किन्नी ज़्यादा आवाजाई होंगी है, ये जिहड़े बंदे की जो मंद भावना एक्ट करना होंगे वास्ते ये संभावना बढ़ जाती है। जिमें जिहड़ी इस गलू मैं मद्देनज़र रखते हुए तुहानू दस्या सीगा कि साडे वल्लों हुण होर ज़्यादा चौकसी ते मुस्तैदी वधाई जा रही है कि इहो जे अनसनां वास्ते इहो जे काम करने होर भी मुश्किल की साडे वल्लों बहुत सारी CCTV फुटेज जिहड़ी उह खंगाली जा रही है। CCTV फुटेज विच कुछ सानू इहो जे पहलू नज़र च आए जिन्हां ते अजे तहकीकात की लोड़ है वो मैं थोड़े नाल हजे सांझे नहीं कर सकता, बट ये हजे कार्रवाई साड़ी चल रही है। हजे तक कंजेक्चर है, इस संबंधी कोई भी स्पष्ट गल करनी संभावित नहीं होएगी, ये साडा तहकीकात हले ये जिवें ही कोई गल जिवें मैं थोड़े नाल हुण मुखातब होया तो मान्योग DG साहब भी थोनों मुखातब होके गए हैं, जिवें जिवें साडे कोल कोई सूचना आएगी
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਊਮਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਰੋਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਮਲਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਜਿੱਕੋ ਤਕਲੀਫ ਵਰਤੀ ਗਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ